गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। जैसे आप सभी को पता है, संडे को एक स्पेशल सेशन हम रखते हैं जिसपे हमारे टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट मे भी हो सकते हैं। आप भी कोई टॉपिक अपनी साइड से दे सकते हो, जैसे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। ठीक है। जैसे कई बार हमें फैमिली इशू रहते हैं, हमारे पास एक इन्वायरमेंट नहीं होता, हम घर से दूर नहीं जा पा रहे पढ़ाई करने के लिए, तो हम उसी इन्वायरमेंट में कैसे अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है। या हमें फाइनेंस को मैनेज नहीं हो पा रहा, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है फैमिली से, तो हम अपने फाइनेंस को खुद से कैसे मैनेज करें। दरसो ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं ऐसे जिसपे हम मतलब ओपनली बात कर सकते हैं, या फिर जो आपके इश्यू रहते हैं रियल लाइफ। ठीक। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आपके माइंड को, जो आपका माइंड है ये कैसे डिस्टर्बेंस होता है। इसको मतलब होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आप हाइपर हो जाते हो, या बहुत जल्दी आप इमोशनली वीक हो जाते हो और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर आप पढ़ नहीं पाते हो, या फिर आप किसी को मना नहीं कर पाते। यदि आपसे किसी ने कुछ घर पे बोला है कि ये काम कर दे, तो आप फटाक से या तो हाँ बोलोगे, और यदि आपने हाँ बोला तो आपका टाइम जाएगा, और आपने ना बोला तो आप वो काम करने के बाद फिर सोचोगे यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, या फिर मैं टाइम चला गया मेरा बेटाइम पढ़ने का टाइम था। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यू आपके रियल लाइफ में होते हैं, जो आप रियल लाइफ में देखते भी हो, जो कि हमारे मीन्स एक स्टूडेंट लाइफ में मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली फाइनेंस और फैमिली इशू, या फिर घर से दूर जाने वाली समस्याएं जो स्टूडेंट्स को रहती है, या फिर बेस्ट कोचिंग कैसे ज्वाइन करें, या फिर बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं। मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आज हम बात करने वाले थे सिर्फ माइंड को लेके, और माइंड में बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, बस यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आप अपने सराउंडिंग लोगों की बात सुन के कैसे नर्वस हो जाते हो, या फिर कैसे निगेटिव हो जाते हो, या कैसे पॉजिटिव हो जाते हो, या कैसे मीन्स आप एक होता है कि आप अलग ही माहौल में चले जाते हो, अलग ही उसमें चले जाते हो, और जो आपका फोकस था वो कहने के हट जाता है। तो ये माइंड की बात करते हैं। माइंड में आपके दो टाइप के डिस्टरबेंस होते हैं, या दो टाइप के आपका क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम टर्मोलॉजी मेरे नाम याद नहीं आ रही अभी। हाँ, दो टाइप्स के आपके फोकस होते हैं, मतलब दो टाइप से मीन्स, एक तो आपके अंदर से चीजें आ रही हैं और वहां से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है। अंदर से चीजें आ रही, मतलब आपका कोई मीन्स कोई पास्ट की बातें हैं, या फिर आपके अंदर से बहुत सारे होता नहीं कि इमोशंस निकल रहे हैं जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे। दूसरा क्या है कि आप पढ़ने बैठे और आपके फैमिली मेंबर ने, किसी ने आप पे कमेंट कर दिया, या आपके पड़ोस में, या कोई बात हो गई, मतलब एक होता नहीं कि आपने दूसरों की बातें सुन के आप कई बार मीन्स अपना फोकस हटा देते हो। जैसे आपने बोला मुझे नेट निकालना है, आपके पड़ोसी बोलेगा बहुत टफ है, आज तक किसी ने नहीं निकाला है आसपास, तो ये तो हो नहीं पाएगा, और बस आपने वहीं पे सोच लिया कि जब बाकी ने नहीं निकाला तो आपका भी नहीं हो। तो आपने एक मीन्स विचार बना लिया दूसरों की बात सुन के, अभी तक आप यही करते जा रहे हो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसलिए आप मीन्स कहने के लिमिट में हो, मतलब आपकी लिमिटेशंस हैं। नहीं समझे आप, कि आपको पता है कि मैं तो कुछ नया नहीं कर सकता क्योंकि बाकी आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, या फिर आपके आसपास वाले बोल रहे हैं कि ये तो हो नहीं पाएगा, कि वो लड़का गया था दिल्ली पहले तैयारी करने के लिए, उसका कुछ नहीं हुआ 2 साल में। मीन्स आपको एग्जाम्पल दिए दिए जाते हैं और आप उन एग्जाम्पल को एक्सेप्ट कर लेते हो। ऐसा होता है, नहीं होता है ये बताओ? या आपके चाचा मामा कोई बोल रहा है, वो अपने बच्चों के साथ आपकी कंपेरिजन कर रहा है कि मेरी बेटी ने ये वाला एग्जाम निकाल लिया। ठीक है, उन्होंने उन्होंने बोला मेरी बेटी ने एग्जाम निकाल लिया, और आपने उसको अपने माइंड में अंदर ले लिया, मतलब आपने उसको अपने मन में अंदर लेके चले, अपने मतलब माइंड में लेके चले गए, और आप उसी बात को सोच रहे हो। मीन्स जो आपका रूटीन था, जो आपने डिसिप्लिन बनाया था पढ़ाई करने का, वो आपका डिस्टर्ब हो गया। ऐसा अक्सर होता है, जब भी गेट टुगेदर होगा और जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो अगले 2 दिन तक पढ़ नहीं पाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बात, क्योंकि उस गेट टुगेदर में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो उनको कैच करेगा, और जिसके उसका जो एक फोकस है वो उसका हट जाएगा। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको हम आउटर डिस्टरबेंस बोलते हैं, एक हमारा इनर डिस्टरबेंस होता है, हमारा खुद से भी हमें अपने आप पे डाउट आता है कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट जो भी चीजें आपके अंदर आ रही हैं वो भी आप कहने कहीं बाहर से ही ले रहे हो, मीन्स बाहर से आप कहने के कैच कर रहे हो, कोई डेटा आप ले रहे हो और उसी को आप क्या कर रहे हो, रिफॉर्म कर रहे हो, आप उसी को अंदर प्रोसेस कर रहे हो माइंड के अंदर, और प्रोसेस करके उसका एक आउटपुट निकाल रहे हो। ऐसा अक्सर होता नहीं होता है, छोटा सा बच्चा बोले कि मुझे 10 फुट मतलब जंप करना है, आप क्या बोलोगे, तू नहीं कर पाएगा, ऐसे बोलोगे ना फर्स्ट टाइम। तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ यही करते हैं, हमारे पेरेंट्स 99% केस में आपको पूरे जीवन में 18 साल तक नियर बाई, ये एक रिसर्च है,
नियर बाई 10 लाख बार आपको मना कर चुके होते हैं, आप तू ये नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे पे ये नहीं हो पाएगा, ऐसा आप 10 लाख बार आपको बोला जाता है 18 साल एज तक। मीन सिर्फ 18 साल तक आपको इतनी बार ये चीजें रिपीट होती हैं कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। आप बोलो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना, एक बार कंफर्म कर दो यहाँ पे, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम सुने लिखा है कि कोई कह देता है तो 3 4 दिन खराब हो जाते हैं, बट जो मैं बोल रहा हूँ कि आप कह रहे कि फैमिली मेंबर या आसपास के लोग आपको कह रहे कि रोकते नहीं रोकते, आप मुझे बताओ बस कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे पे नहीं हो पाएगा, आज तक किसी ने नहीं किया, आज से पहले नहीं हुआ है, इस तरह के मीन्स आपको बोला जाता नहीं बोला जाता आपको? बोलो। और फिर आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है, मीन्स आपका माइंड आपको बोलता है कि अब से नहीं, पहले नहीं हुआ तो तू क्या करेगा, ठीक है? तो फिर आपके अंदर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आप जो काम कर रहे होते हो ना उसको पूरे फोकस से नहीं कर पाते आप, उसको क्या हो जाता है, 50-50 हो जाते हो आप, फिर आप दिशा चेंज करने लग जाते हो, आप कैरियर को बदलने लग जाते हो आप, फिर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बीएड करने लग जाते हैं, मैंने देखा है ना स्टूडेंट्स को, मतलब ये आपको लगता है माइनर इशू है, ये माइनर इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, मीन्स आपके लाइफ का इतना क्रुशल टाइम और आप उसको ऐसे ही मीन्स जाने देते हो, ऐसे ही मतलब हल्के में ले लेते हो कि किसी के बोलने से कुछ भी डिसाइड कर लेते हो और किसी के बोलने से अपने माइंड पे वो चीज़ों को हावी कर लेते हो, ऐसा होता है, नहीं होता है? आप मुझे जैसे एग्जाम का फोबिया, एग्जाम का फोबिया है क्या एक्चुअली? पर जो बाकी स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, क्वेश्चन को ऐसे लगता है, आप कह रहे हैं कि उसको बाहर की बाहरी दुनिया से डेटा ले रहे हो आप, और आप अपने अंदर से भी डेटा ले रहे हो कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा, मीन्स आपके अंदर दो तरह का फिगर है यहाँ पे, जो आपने बाकी स्टूडेंट से सुना वो, और एक आपके अंदर भी है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो आई थिंक यदि आपको स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इन सब इस पॉइंट को स्पेशली आपको फोकस करना होगा स्पेशली यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इसको एक छोटा एग्जाम्पल से और समझा देते हैं यहाँ पे, पहले मैं एक बार मैसेज पढ़ लेता हूँ, दो तीन बच्चों को मैसेज आया। हाँ यस, विनोद ने बोला कि मैं विनिंग माने के बोल रहा था, पर यहाँ पे आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छा लगा मुझे भी। हाँ हाँ तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे और समझा देते, यदि आप इसी बात को समझना चाहते हो सही से, जब आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट पे या कहीं बाहर खाना खाने जाते हो या आप घर में भी खाना खाते हो, सपोज आपको आज बने हैं, संडे का दिन है, आज स्पेशल आपको आइटम बना हुआ है, छोले और पूरी की सब्जी बनी हुई है, सपोज करते हैं, ठीक है? आपके घर में क्या बना है, छोले और पूरी की सब्जी बनी है, फिर आलू या पूरी की सब्जी बनी है, पूरी बनी है, ठीक है? आपके पास 5 पूरी आई है, 4 पूरी अच्छी फूली हुई है, 5वीं पूरी थोड़ा तेल है उसमें, मतलब ऐसे आपने उठाया तो तेल आप टिप टिप करके तेल गिर रहा है उसमें से, तो क्या आप उसको खाओगे? ईमानदार से बताना, आप 4 पूरी खाओगे क्या, 5वीं पूरी आप खाओगे? ईमानदार से बताओ। और नहीं खाओगे तो क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे? हाँ संडे को बनता है, मुझे पता है संडे को स्पेशली बनता है। हाँ समन्वय ने बोला हमारे यहाँ बना हुआ है, संडे को बनता है स्पेशल, ठीक है, मेरा भी फेवरेट है इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला। तो वो 5वीं पूरी आप नहीं खाओगे क्योंकि आपको लग रहा है तेल है और तेल मेरी हेल्थ को नुकसान देगा, मेरा फैट बढ़ाएगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, मीन्स वहां पे आप उसको पूरी को स्किप कर दोगे या फिर टिश्यू पेपर लाके उसको पूरा अच्छे से पहले तेल को निकालोगे। अरे इवन दो हम जब भी पूरी या छोले भटूरे खाते हैं तो टिश्यू पेपर से उसका एक्स्ट्रा तेल को कहने के निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? या फिर आप मीन्स बटर खाते हो और आपको लग रहा है कि मीन्स बटर आपको मतलब आपका फैट थोड़ा बढ़ गया, तो आप बटर को निकाल के क्या करोगे, साइड में रख दोगे? बहुत सारे आजकल ऐसे करते हैं, बटर को निकाल के साइड में रख देते हैं पाव भाजी में से, आपने देखा हो पाव भाजी से बटर निकाल देते हैं, मीन्स वहां पे आप हेल्थ को फोकस करते हो, ऐसा है, ठीक है? कुछ बच्चे नहीं करते होंगे अभी, बट एक समय के बाद आप करने लग जाओगे। तो आप जब हम हेल्थ को फोकस दे रहे हैं कि आपको पता है एक्स्ट्रा बटर, एक्स्ट्रा ऑयल या एक्स्ट्रा मसाला आपके हेल्थ को नुकसान देगा, ठीक है, तो आप वहां पे अवॉइड करते हो, बट आप किसी भी इंसान की बात सुन लेते हो, अपने माइंड में रख लेते हो, मीन्स जो सामने वाला है वो बैड बैड ऑयली है या फिर वो बैड बटर के साथ बैठा हुआ है, वो किस थॉट के साथ बैठा हुआ है आपके सामने, बट आप उसके विचार को तुरंत अपने अंदर ले लेते हो, जो उसने बोला उसने क्या सोच के बोला, फिर भी आप उसको कर लेते हो अपने अंदर ले लेते हो, अपने माइंड के अंदर ले, आप क्या होता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, बहुत बार डिस्टर्ब होते हो, कोई ऐसे कोई लालच दे दे, जैसे आप आजकल गेमिंग वाले नहीं चले, प्ले स्टोर पे आपको चला ना ये ड्रीम इलेवन या फिर बहुत सारे गेम चल रहे हैं, आप जीतोगे 100 रुपये में लाख करोड़पति बन जाओगे, ये क्या है, ये है क्या एक्चुअली, ये आपके माइंड के साथ तो खेला जा रहा है। जो लोग समझदार हैं वो कभी भी ड्रीम इलेवन नहीं खेलेंगे, जिनको कंट्रोल है अपने माइंड पे, जिनको पता है, ठीक है,
कि इन सब चीजों को हमें बाहर रहना है, इन सब चीजों को अपने माइंड में लेके नहीं, अंदर लेके नहीं आना है, इस तरह का लालच, इस तरह का लोभ अपने अंदर लेके नहीं आना है, ठीक है। अब ये एक दिन में तो आएगा नहीं, ये तो समय के साथ ही आएगा। आप या तो यहाँ तो, या तो आप खुद से मेडिटेट करके अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है, या फिर जो डेटा आ रहा है उसमें हर डेटा को अच्छे से एनालिसिस करो कि कहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो मीन्स ऐसे बहुत सारे एरिया, जैसे अभी स्टॉक मार्केट का बहुत चल रहा है, बूम चल रहा है स्टॉक मार्केट में, आपने देखा हो ना कि शेयर मार्केट में ये ऐप डालो, ये ऐप आप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे आपको इतना मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, इतना पैसा लगाओगे इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। यदि इतना प्रॉफिट मिलता तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो खुद ही अपनी अपने आप ही ना बन जाए, मतलब अपने आप ही शेयर खरीदना बैठ जाए, नहीं समझा आप। तो मीन्स कहने का ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपके माइंड के साथ खेली जा रही है और आपको चीजें बेची जा रही है जबकि आपको नीड नहीं है। एक सर्वे में बताया गया है कि आपका आपको एक छोटे से फोन से काम चल सकता है जो एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, बट आपको आईफोन बेचा जा रहा है, आईफोन भी आपको बेचा जा रहा, नहीं बेचा जा रहा है, तो सभी माइंड का ही गेम है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बोलने वाला यह है कि जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में, एटलीस्ट जब तक आप पढ़ाई के साथ साथ ये जरूर सीखें कि मेरी मम्मी ने आज मुझे कुछ बोला है, तो आप उस पर स्माइल दे के डाइजेस्ट करने की कोशिश करें उस बात को, उस कमेंट को, ठीक है, या मेरे भाई ने कुछ बोल दिया है, या मेरे घर में कोई इश्यू चल रहा है, तो आप उन सब चीजों को थोड़ा सा कहने के नेगलेक्ट करने की कोशिश करो। एक दिन में चीजें नहीं होंगी, बट प्रैक्टिस करने से धीरे 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 अपने आप इंप्रूव करोगे। इनकी बहुत सारी टेक्निक है कैसे आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप मीन्स आपके अंदर कोई निगेटिव थॉट्स आके, निगेटिव थॉट्स हैं या कोई ऐसी पॉइंट है पिछला आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप उसी चीज को लेके आज तक अपने मन में बैठे हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला जा सकता है, इन सब की टेक्निक है, इन सब का एक प्रोसेस होता है पूरा फॉलो मतलब करना पड़ता है। जैसे कि आपके पैर में यदि पैर टूट जाता है सपोज करता है, तो पहले उसमें 1 महीने प्लस्तर चढ़ता है, आपको पता ना, 1-1.5 महीने प्लस्तर चढ़ता है, फिर उसकी अगले 15 दिन तक मसाज होती है, फिर डॉक्टर बोलता है धीरे धीरे आपको चलना है, प्रैक्टिस करनी है, एक प्रोसेस है ना पूरा। बोलो, ऐसा तो नहीं कि वो प्लस्तर कटा और वो दौड़ने लग जाएगा, नहीं हो रहा कभी भी ऐसे। तो ऐसे हमारा माइंड भी है, आपको माइंड को हेल्दी रखना है, सबसे ज्यादा हेल्दी रखना है। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे तो चीजें याद नहीं रहती हैं। अरे जब आपका माइंड 10 जगह लगा रहेगा, आप 10 लोगों की बातें सुनोगे और अपने अंदर लेके उनको बैठ जाओगे, या उसी डेटा को प्रोसेस करने लग जाओगे जो एक्स्ट्रा डेटा है, मतलब जो काम का डेटा ही नहीं है, नहीं समझा आप। आपको खाना था बर्गर, आप प्याज खा रहे हो, पर प्याज से पेट भर रहे हो आप, नहीं समझा आप। तो मीन्स मेरे हिसाब से ये सब चीजें मतलब आपको फोकस करना चाहिए, जैसे हम हेल्थ पे फोकस करते हैं, हमें सबसे ज्यादा माइंड पे फोकस करना चाहिए। एक होती है विल पावर, आपने सुना होगा मूवी के अंदर, कि आपने ध्यान से देखा होगा कि इसकी जीने की इच्छा बहुत ज्यादा है, ऐसा होता है ना, एक ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन में डॉक्टर बोलता है कि जीने की इच्छा बहुत है, मतलब इच्छा थी इसलिए हमने इसको बचा पाए। तो जीने की इच्छा क्या है, जीने की इच्छा शरीर से थोड़ी आ रही है, वो माइंड से तो आ रही है, आपको माइंड ही तो कंट्रोल कर रहा है कि मैं बच पाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। आपको कुछ भी हुआ है, कोई बीमारी हो गई आपको, आप उस बीमारी को अपने आप से हील कर पाते हो। मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपको फीवर है या आपको हेडक हो रही है, आप घर से दूर हो मतलब पीजी में आप रह रहे हो, तो हेडक आपका बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है, बट यदि आप घर पे हो और आपकी मम्मी आपके साथ है और मम्मी एक बार सिर पर अच्छे से हाथ फेर दे, या मम्मी कुछ एक दो मतलब कहीं से दवाई ला के दे दे, या कोई भी घर में ऐसी चीजें दे दे, तो आपका दर्द छूबंतर हो जाएगा एकदम। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को पता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, आप मतलब इमोशनली इतने टच में हो और आपकी विल पावर इतनी एक्टिव हो जाती है। जब आप पीजी में रहते हो तो आप इतना नर्वस फील करते हो कि मैं अकेला हूँ और मेरा मतलब होता नहीं कि आप कहीं ना कहीं निगेटिव फील करते हो, आप कहीं ना कहीं जब आप फैमिली में रहते हो तो आप पॉजिटिव फील करते हो, फैमिली में रहकर आप जल्दी ठीक हो जाते हो। आपने देखा होगा ना कि जब कोई इंसान ज्यादा बीमार हो जाता है तो बोलते हैं यार सारे फैमिली मेंबर को बुलाओ, सबसे बात करेगा, अच्छा फील होगा और ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर भी कमेंट करते हैं। जहां साइंस फेल हो जाती है, वहां पे आपके इमोशंस, आपकी माइंड की जो पावर है वो काम आती है। माइंड की पावर से बहुत सारी चीजें ठीक होती है, और ये छोटे मोटे स्ट्रेस तो आप आराम से ठीक कर सकते हो कि आज मैं पढ़ाई नहीं करा और शाम को बैठ के आप स्ट्रेस लेके बैठे हो, ये कोई मीन्स बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट इनको मतलब वही 66 डेज का मैंने आपको बताया था, आपको 66 डेज तक आपको ये सब चीजें कंट्रोल करनी है। कल मैं एक साउथ की कोई मूवी देख रहा था, नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा उसका, आपने कभी देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा, नई कोई नई मूवी नेटफ्लिक्स पे थी, नई मूवी है,
तो उसमें क्या है कि वो बहुत बच्चा गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, उसको ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, ठीक है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। तो उसकी मम्मी समझाती है। अब मम्मी कैसे समझाएगी, बेटा गुस्सा करता है, तो मम्मी ने समझाया कि हम डिसाइड करेंगे कि आपको गुस्से के लिए एक दिन देंगे, आप एक दिन जितना चाहो उतना गुस्सा करना, और एक तरीका होता है तो हैंडल करने का, ठीक है, अब मार पीट के हैंडल करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे अपने इमोशंस को अपने आप को समझाना है, आपके अंदर दो इंसान है, एक आप और एक आपका माइंड, वो साइड में बैठा हुआ है, तो आपको अपने माइंड, आपके माइंड को समझाना है, माइंड को आपको नहीं समझाना है, मीन्स आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, नहीं, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, ठीक है, ऐसे ना आए तो मनीषा ने समझाया शांत रहना है, मतलब थोड़ा सा कोशिश करोगे कि आप अपने आप से ही बात करोगे ना तो आपको रिप्लाई मिलेगा। तो वो मूवी के अंदर चले जाते हैं वापस से, तो मूवी में बोलती है कि आपको हम एक दिन देते हैं बेटा, आप संडे के दिन गुस्सा, सॉरी सैटरडे के दिन गुस्सा कर सकते हो, सैटरडे भी नहीं बोला उसने, बोला कि पहले हम एक दिन गुस्सा करेंगे, बोला आपको है ना एक दिन फ्री देंगे, आप उस दिन गुस्सा करना जो भी है। वो आता है बच्चा मंडे के दिन, ठीक है, किसी बात पे उसको कुछ गुस्सा आता है, कोई उसका दोस्त उसकी मतलब शर्ट पे इंक डाल देता है, इंक पेन स्कूल में ना, बोलता है मम्मी मेरी शर्ट पे इंक डाली है, मुझे आज गुस्सा आ रहा है, मैं जाके गुस्सा करूँ। मम्मी बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, आज सोमवार है, आज अच्छा दिन है, छोड़ दो। तो सोमवार के दिन कट हो जाता है, सेम मंगलवार को कुछ होता है तो मंगलवार को भी कट हो जाता है, बुधवार को भी ऐसे कुछ होता है तो जल्दी कट हो जाता है। तो ऐसे करते 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 फ्राइडे आ जाता है, तो फ्राइडे वाले दिन बोलता है मम्मी आप तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बोल देते हो और मैं तो गुस्सा कर नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे मम्मी बोलते हैं कितने दिन हो गए ऐसे, 5 दिन हो गए। तो बेटा आपने 5 दिन कंट्रोल किया ना, 5 दिन कंट्रोल किया ना अपने गुस्से को, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो ऐसे करते करते मतलब उसको कोई दिन नहीं मिला, पूरे वीक में कोई डेज नहीं मिला उसको गुस्सा करने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में जाके क्या होता है, एक दिन उसकी मम्मी एक्सपायर हो जाती है वहाँ पे, मतलब मूवी के अंदर सीन में ऐसे, और जो एक विलन टाइप का इंसान होता है, हालांकि उसका मामा होता है, तो उसकी मम्मी को मरने के बाद भी कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, ठीक है। तब वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी क्या मैं आज गुस्सा कर सकता हूँ, फिल्म थी वैसे तो, बट उसमें एक हिंट मिलता है हाँ गुस्सा कर सकता है। तो सैटरडे उसका फिक्स हो जाता है, सैटरडे वो गुस्सा कर सकता है सैटरडे, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन पता चलता है कि गुस्सा करने का भी कोई जायज रीजन होना चाहिए, ऐसे नहीं आप हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करोगे। मतलब फिर उसके फादर समझाते हैं मूवी के लास्ट में आके, जाते मूवी के बारे में सुनो, जाते सिर्फ स्टोरी समझो, ठीक है। तो उसको लगता है सैटरडे, तो पूरी मूवी में सैटरडे दिन गुस्सा करता है, जिसको भी विलन की पिटाई करनी है, जो भी कुछ जिसपे गुस्सा रहा है सैटरडे दिन पिटाई करता है सबकी मूवी के अंदर। बट इन द लास्ट मूवी के अंदर बताया जाता है कि गुस्सा आप कभी भी करो, बट गुस्सा ऐसा होना चाहिए जो लोगों को खुशी दे, लोगों को हैप्पीनेस दे, ऐसा ना हो कि गुस्से में आपसे लोग डरे, गुस्से में आपके अंदर लोग फियर में आ जाए आपके अंदर आपसे, ठीक है। मींस जायज गुस्सा होना चाहिए, जैसे आपके छोटे भाई को कोई डांट रहा है तो आप उसको डांट सकते हो, छोटे भाई को एक खुशी मिलेगी। मैं आप बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक गुस्सा एक तरीका एक वैलिड होना चाहिए, जैसे आप बोला यहाँ पे कि जैसे होता है ना झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है, यदि झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो झूठ बोलना वो झूठ नहीं बोला जाता, आपने पढ़ा होगा ना ऐसा। सेम गुस्से का भी तरीका बताएगा उसमें कि गुस्सा भी एक तरीका होता है जो कि जायज होता है, जैसे हमारी मम्मी हमारे ऊपर गुस्सा करती है, हमारे पापा कई बार हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा कहने के वो जायज होता है, हमारे लिए कहीं जायज नहीं होता है। वो बोलते हैं पढ़ाई कर ले, वो बोलते हैं फिजिकल एक्सरसाइज कर ले, वो बोलते हैं जाके मतलब वो कर, ऐसा बोलता है ना मोबाइल मत चला, बट वो कहने के गुस्सा उनका जायज होता है और वो हमारी खुशी के लिए होता है। तो गुस्सा करना जायज है, बट डिपेंड करता है आप किस पर्पज से गुस्सा कर रहे हो, आपका लॉजिक क्या है। सेम टू सेम जब हम किसी की बात को सुनते हैं, जैसे आपके घर में ही आपको लोग समझा रहे हैं, ठीक है, और आप उस पर उन बातों पर इरिटेट हो रहे हो, तो उनके फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट आपका है, आप उनकी बातों को किस वे में लेके चल रहे हो, भाई पॉजिटिव में लेके चल रहे हो या नेगेटिव में लेके चल रहे हो। अब एक बात बताओ, आप में और आपके पेरेंट्स में 20 साल या 15 साल का डिफरेंस तो है ना, अब जो चीजें उन्होंने देखी है वही आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अलग जोन में हो तो आपको चीजें समझ में कम आएंगी थोड़ा सा, तो आपको वहां पे रिएक्ट नहीं करना बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा आप रिएक्ट करोगे उतना आप डिस्टर्ब हो जाओगे, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे ज्यादा, और आपका जो फोकस है पढ़ाई पे वो हट जाएगा, ये जो भी आप कैरियर में करो कुछ करना चाहते हो। तो मेरा मानना यहाँ पे है कि जो 15-20 साल का गैप है आप उसको फिल नहीं कर सकते, आप थोड़ी बातें उनकी सुनो, थोड़ी बातें आप अपनी समझा सकते हो,
पर वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप अभी 20 से 30 साल की एज में हो, जब इंसान 40 से 50 साल की एज में पहुंच जाता है तो सेफ साइड चलता है, सेफ सेफ खेलना चाहता है, प्लस सिक्योर करना चाहता है हर चीज को, तो सिक्योरिटी उनको बहुत बड़ा इशू हो जाता है, और वो सिक्योरिटी आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। ठीक है, जैसे जॉब की बात आ जाती है, नेट में बहुत टाइम लगने वाला है, 2 साल लगेंगे, तू बीएड करके जल्दी जॉब ले ले, तू कहीं जाके मतलब पुलिस की जॉब ले ले, ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी एक रीजन आ जाता है, वो उस जोन में चले गए जहां पे उनको सिक्योर, मतलब उनका माइंड उस तरह काम करने लगा कि उनको सिक्योर जीवन चाहिए। एक होता ना कि एक शांति वाला और सिक्योर जीवन चाहिए, तो वही चीज आपको आपके ऊपर थोपते हैं। तो मेरा मानना तो यहाँ पे ये भी है कि आपकी ये यदि 30 साल हो जाती है, बाय द वे, आप कामयाब हो ना कामयाब हो, आप थोड़े टाइम पेरेंट्स से दूर रहे, मतलब पेरेंट्स यदि एजिड हैं या मतलब भाई कुछ करने में सक्षम नहीं है तो बात अलग है। ठीक है, अगर आप दूर जाकर रहें, क्योंकि तो अदरवाइज क्या होगा, कंट्रेक्शन आएगा, मतलब एक विरोधाभास होगा आपके अंदर और आपके पेरेंट्स के अंदर, ये 100% ट्रू है, ध्यान रखना। मतलब आपस में विचार नहीं मिलेंगे, और विचार से सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी, क्लेश होगा, और उसमें मीन्स दोनों का प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुकेगा, मतलब पेरेंट्स का प्रोग्रेस भी रुकेगा और आपका प्रोग्रेस भी रुकेगा कहीं ना कहीं, ये फैक्ट है, ध्यान रखना। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि यदि विचार आपके मिलने बंद हो जाते हैं तो आप कुछ भी फाइनेंस मैनेज करके, आपने तो सपने एमएससी कंप्लीट किया है, आप दूर जाके कहीं जाके रहें और इंडिपेंडेंट जीवन को चलाने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंट जीवन को चलाने की कोशिश करें, ये मैंने दिखाया। बट ये सब चीजें कहाँ से आएंगी आप मुझे बताओ, कहाँ से आएंगी? अपने अंदर से तो नहीं आएगी, ये सब आपको माइंड ही तो करेक्ट करके देगा ना भाई। हमारा माइंड क्या होता है, लॉजिकल चीजों को सोचता है ना, हर चीज में लॉजिक लगाता है। मैं आपसे बोलूं कि एक यहाँ जाके कोचिंग है, यहाँ जाके ज्वाइन कर लो, तो आप क्या सोचोगे, सर का क्या फायदा है इसमें, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा आप सोचोगे नहीं सोचोगे, कहने के लॉजिकल आप सोचोगे नहीं सोचोगे। तो हमारा माइंड भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, एक रिटेल माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। आपने आजकल आपने सबने सुना होगा, वो लॉजिकल सोचता है चीजों को, ठीक है, हर बात में लॉजिक लगाता है। जैसे मैंने आपको बोला आज फ्री वेबिनार है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं आए कि सर का क्या इंटरेस्ट होगा, सर क्यों ऐसे बुला रहे हैं, ऐसा होता है लॉजिक, मेरे पास तो बहुत सारा काम है, कोई बच्चा बैठ के मूवी देख रहा होगा, कोई बच्चा बैठ के सो रहा होगा, बट क्लास में नहीं आएगा क्योंकि वो उस लेवल पर नहीं सोच पा रहा है। नहीं, अभी मैंने आपको बताया थिंकिंग पावर मैंने आपको बताई है कि जो विल पावर होती है, और ये डिफरेंस होता है एक अमीर इंसान में और एक गरीब इंसान। एक अमीर इंसान यदि गरीब हो जाएगा तो वापस से अमीर हो जाएगा, ध्यान रखना, बट एक गरीब इंसान अमीर हो जाएगा तो वापस से वो यदि गरीब होगा तो गरीब ही रह जाएगा। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे केबीसी के अंदर, केबीसी में एक बिहार का लड़का था, वो 1 करोड़ रुपये जीत के गया और उसने वो पैसे उड़ा दिए, मतलब उड़ा दिए, मतलब जो रिश्तेदार थे उनको दे दिए, कुछ घर बना लिया और वापस से वहीं आ गए, जब मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था वो, और वापस से वहीं आ गए, जबकि 1 करोड़ रुपए अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। वो उसमें अच्छे खासे लाइफ स्टाइल चला सकता था, स्टार्टअप ले सकता था, या फिर इन्वेस्ट कर सकता था और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता था, क्यों नहीं कर पाया? माइंड, मैं माइंड का खेल है सब कुछ। आप मुझे बताओ, माइंड का गेम इतना है सब कुछ, और क्या है आप मुझे बताओ। लेकिन हमारा कभी फोकस होता है उस पर, माइंड पे, कि आपका किसी का फोकस है माइंड पे? आप मुझे बताओ, ईमानदार से बताना कि हम माइंड को हेल्दी रखें, माइंड के अंदर जो विचार आ रहे हैं एक्स्ट्रा उनको शांत रखें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, वॉक करें, वॉक करना जो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आप फिजिकली फिट हो, वो फिट हो, आप मेंटली भी फिट होते हो। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है, आपको पूजा करने के लिए बोला जाता है, आपको मंदिर मस्जिद जाने के लिए बोला जाता है, क्यों? जिससे आपके अंदर अच्छे विचार आए, आपका मन शांत रहे। आपको वीक में एक दिन फास्टिंग के लिए बोला जाता है, क्यों? जिससे आपका एनर्जी थोड़ा डाउन रहेगी तो आप अच्छे, मतलब जो एक्स्ट्रा हाइपर जो राक्षस वाले जो विचार होते हैं ना, मतलब फाइटिंग वाले विचार होते हैं, वो कम हो जाए। आपके अंदर तो कोई द्वेष भावना है, आपके फ्रेंड्स के आपके जो दोस्त हैं उनके प्रति द्वेष भावना है, आपके घर में कोई मेंबर है उसके प्रति आपके द्वेष भावना है, वो सब शांत हो जाए, लाइक न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल। हैप्पीनेस जो खुशी है ना, खुश रहना, वो हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में कभी नहीं रहना। यदि अपनी खुशी को दूसरों के हाथ में दे दोगे तो आप जीवन में कभी खुश रह ही नहीं पाओगे, मैं आपको बता रहा। और एक खुश रहने का तरीका यह है कि अपने माइंड पे काम करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, तो कहीं ना कहीं, और अपने ही आप से बातें करो कि मुझे ऐसा करना है तो करना है, मुझे आज पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। जब आप उठ के पढ़ने की कोशिश करोगे, माइंड आपका क्या बोलेगा, चल थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मेरे सिर भारी भारी सा हो रहा है, ऐसा होता है ना, मेरा सिर भारी भारी सा हो रहा है, थोड़ी देर सो जाता हूँ मैं। जैसे ही आप पढ़ने की बात करोगे ना,
आपके अंदर मतलब कहने का एक लेजीनेस आएगी, वो क्या लेकर आ रहा है, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है कहने का, चल थोड़ी देर सो जा फिर उठ के पढ़ लेना, ठीक है चल बाहर घूम के आ फिर बाद में पढ़ लेना, चल किससे बात कर ले अमित से बात कर ले फिर बाद में पढ़ाई कर, ऐसे आपके विचार अंदर आते ना। मीन्स आपके अंदर ही दो इंसान है यदि आप ध्यान से देखोगे, एक आपको कहने के पॉजिटिव रखता है हमेशा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा आपको पढ़ना है, और एक आपको उसी मोमेंट पे जस्ट 30 सेकंड बाद मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा पढ़ाई नहीं करते कुछ और करते हैं ठीक है, या कुछ और एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसा है नहीं है, बस इतना बताओ मुझे फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और 10 मिनट के लिए और फिर हम यहाँ पे सेशन को रोक दें। जितना मैंने आपको बोला ऐसा है या नहीं होता है आपके साथ, इसलिए मैंने संडे का सेशन बोला, एक स्पेशल सेशन है और हम इसमें ऐसे हजारों बातें करेंगे जो आपकी रियल लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सर ऐसा ही होता है सर। बाकी लोग चैट के माध्यम से बोल सकते हो, ये जो अनम्यूट नहीं कर पा रहे ठीक है, सिर्फ चैट के माध्यम से बोलो यस और नो, ठीक है मेरे पास थोड़ा सा तो डेटा होना चाहिए ना कि हो सकता है कि मैंने जो डेटा एनालिसिस किया वो ऐसा है, ठीक है नहीं ये बात सच्चाई है। इसलिए हमेशा क्या बोलते हैं घर पर रहकर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ऐसा बोलते हैं हम, क्यों बोलते हैं घर पर रहकर क्यों पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको डिस्टर्बेंस होगा 5 मिनट का, आपको डिस्टर्बेंस होगा 10 मिनट का, बट आप उस 10 मिनट के डिस्टर्बेंस से पूरा दिन नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा होता नहीं होता है। यस आपके सर मामा 10 मिनट के लिए आपके घर पे आएंगे ठीक है, वो 10 मिनट आके चले गए बट आप रात तक पढ़ नहीं पा रहे, ऐसा है नहीं है इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंट कहाँ पे डिस्टर्ब हुआ आपके माइंड में डिस्टर्ब हुआ ना भाई, सबसे पहले आपने माइंड में सोचा ना आपकी 10 मिनट पावर कट हो जाए आज अभी ठीक है, 10 मिनट के लिए पावर कट हो जाए और किसी वजह से आप मतलब जो आपका फोकस था जो आप फ्लो बना के बैठे थे वो हट जाए, तो आपको गुस्सा आएगा पावर कट हो गई, दो चार चीजें और बोल सकते हो, मीन्स आगे 1 घंटा 2 घंटा आप पढ़ नहीं पाओगे। अक्सर ऐसा होता नहीं होता है किसी का फोन आ जाए, फोन अटेंड ना करो तो आपके माइंड में चीजें चलेंगी कि क्यों फोन किया था क्या बात थी कैसे मतलब होगा, आप फोन उठा लोगे तो भी समस्या हो जाएगी आपके साथ, तो भी समस्या होगी ना आपके साथ, क्योंकि फोन उठा के वो बोलेगा मैं टोपोलॉजी पढ़ रहा हूँ, या यदि कोई आपका स्टूडेंट मतलब आपके साथ पीयर पीयर समझते हो आपका जो कलीग होगा ठीक है, तो फिर आपको वहां पे समस्या हो जाएगी यदि उसने कुछ बता दिया कि मैं तो आज ये सब्जेक्ट पढ़ रहा था ठीक है, और यदि उसने बोला कि मैं कल मूवी देख के आया हूँ तब भी आपको समस्या हो जाएगी, यार ये तो मूवी देख रहा है और मैं मुझे पढ़ना पड़ रहा है ठीक है, उसने बोला मैं नई शूज लेके आया हूँ तब भी आपको समस्या हो जाएगी, या उसने नए जूते पहन रहा है और मुझे मैं जूते नहीं पहन मतलब कहीं जा नहीं पा रहा हूँ मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, हर चीज में कहीं ना कहीं इशू है ना आप बताओ मुझे, तो इन सब चीजों को समस्या का सोल्यूशन क्या है, किसी दूसरे के पास थोड़ी है, किसके पास सोल्यूशन है, आपके पास सोल्यूशन है नहीं है, जल्दी बताओ आपके पास सोल्यूशन है नहीं है, है सर। जिसने बोला है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम बुला नहीं पाते हैं, तो मेरा फोकस यहाँ पर रहता है हमेशा कि आप पढ़ाई तो आराम से कर सकते हो बट जब तक आपका माइंड सेट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं माइंड सेट होना, माइंड सेट होना फोकस होना, इसलिए लोग कुछ स्टूडेंट्स आते हैं 6 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करके चले जाते हैं, क्यों क्योंकि पूरा फोकस है वो, ना उनको घर की साइड से कोई टेंशन है ना उनको दोस्तों की साइड से कोई टेंशन है ना उनकी लाइफ में कोई लड़की है लड़का है मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं और किसी तरह का उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस ही नहीं है, और डिस्टर्बेंस है भी बाय द वे तो उसको डिस्टर्बेंस वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो बातें सुनते हैं मतलब बाहर गए इंजॉय करके आए और रूम में आ गए बाहर की बातें खत्म, वो बाहर की बातों को वहीं छोड़ देते हैं बाहर ही, अक्सर बोला जाता है आपने घर में भी सुना होगा कि ऑफिस की बातों को ऑफिस में छोड़ कर आया करो, आपने घर में सुना होगा ना मतलब कई बार ऐसा या मूवी में देखा होगा कि ऑफिस की बातें ऑफिस में छोड़ कर आया करो ठीक है, या आपने मम्मी से सुना होगा मम्मी किसी के आस पड़ोस में चली गई या फिर कहीं किसी शादी में चली गई तो वापस आके घंटों उस पर डिस्कशन करेगी, ऐसा होता है ना घंटों डिस्कशन करेगी, तो आप क्या बोलोगे अरे मम्मी शादी में से आएगा छोड़ दो ना बस बात खत्म होगी, आगे आप जाके खाना खा के वापस बात खत्म करो वहाँ पे छोड़ दो, अब बुआ कैसी थी मौसी कैसी थी मतलब उन सब चीज़ को डिस्कस करके हो क्या रहा है आप बता ना मुझे, ऐसा होता ना कई बार फैमिली में भी ऐसा होता है ठीक है, और किसी किसी फैमिली में तो उस पर क्या होता है घंटों डिस्कशन हो रहा है और बातें निकल के आ रही है और बातें निकल के आ रही है, तो वो एक टाइम वेस्ट हो जाता है पूरी तरह फुल्ली टाइम वेस्ट, और उससे आपका फोकस जो आपका टारगेट था हेल्थ के लिए कैरियर के लिए कहने के आप हट जाते हो, मतलब पूरा दिन आपका चला जाता है, पूरा दिन आपका एक छोटे से मतलब बात को सुन के या फिर छोटी सी बात को डिस्कशन करने से
आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ये तो समस्या मैंने आपको बता दी कि समस्या ऐसी होती है, हम इसको और भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और इन सबको ना टेक्निकल नाम दिए जाते हैं, जितना आपको बोला ना टेक्निकल नाम दिया जाता है, स्पेशली पास्ट को लेकर। तो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि मैंने 10th में पढ़ाई नहीं की, मैंने BSc में पढ़ाई नहीं की, ये सब चीज़ें छोड़ दो आप। पहले 6 महीने आपने क्या किया छोड़ दो। आपने आज एक नया जन्म लिया है। एक मूवी आई थी, उसमें 24 घंटे मिलते थे, मतलब टाइम मिलता था 24 घंटे, पैसे नहीं मिलते थे, 24 घंटे टाइम मिलता था। अब 24 घंटे टाइम आप काम करके आप अगले अपना जीवन के लिए टाइम बना सकते थे। टाइम मतलब टाइम ही था सब कुछ वहां पे, पैसा वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो उसमें ये था कि आप हर 24 घंटे में एक नया जन्म ले रहे हो, आप हर 24 घंटे में आप एक नया जन्म ले रहे हो। तो पीछे वाली बात को सोच के करना क्या है भाई। सपोज करो आज संडे, आज का सुबह का दिन है, आज आपने नया जन्म लिया है, आप पुरानी मेमोरी भूल जाओ, आपकी मेमोरी गई, आप फॉर्मेट कर दी मैंने आपको, आपका सॉफ्टवेयर है ना भाई, माइंड तो आपका एक सॉफ्टवेयर हुआ ना, आपकी बॉडी हार्डवेयर है, आपकी बॉडी एक हार्डवेयर है। तो जैसे हम लैपटॉप के अंदर मतलब विंडो बदल देते हैं, विंडो 7 की जगह विंडो 8 आ गई, विंडो 10 आ गई, तो क्या आप अपनी विंडो को नहीं बदल सकते? इसको नहीं समझ, आप अभी अभी विंडो 2000 पे चल रहे हो, ये विंडो XP पे चल रही थी, आपको नॉलेज होगी भाई विंडो के बारे में। तो 2000 आई थी पहले, फिर विंडो XP आई, फिर विंडो 7 आई, फिर विंडो 8 आई, फिर विंडो 10 आई, अभी विंडो 11 चल रही है लैपटॉप के अंदर। आपके बात पता होनी चाहिए, मेरे साथ थोड़ी बहुत तो टेक्नोलॉजी मतलब पता होनी चाहिए। बट हार्डवेयर सेम है, हार्डवेयर कहना कि सेम है, बट हार्डवेयर समय के हिसाब से चेंज होता है। तो जब आप माइंड को चेंज करने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपका हार्डवेयर, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो भी चेंज होने लगेगा, वो भी चेंज होगा। जिम जाने से पहले बंदा पहले मेंटली स्ट्रोंग होता है, जिम तभी जा पाता है। कोई भी बंदा जो मेंटली वीक है आज तक जिम नहीं जा पाया, आप लिखवा लो मेरे से। आप कोई भी बंदा जो मेंटली वीक है वो सुबह वॉक करने गए ही नहीं आज तक। फिजिकली वीक बाद में होगा, पहले अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगा नहीं करेगा, आप मुझे बताओ भाई। सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगा तभी तो जाके फिजिकली थोड़ा चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो भाई ये आपका हार्डवेयर है, इसमें अपने जो ऐप डाले हुए हैं उनको अपडेट करने की कोशिश करो। इमोशंस का अपडेट अब ऐप है आपके पास, लव का है, रिलेशनशिप का है फैमिली के साथ, ठीक है, फाइनेंस का है, ठीक है, और स्ट्रेस का भी है, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐप एप्लीकेशन आपने इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। अब ये आलतू फालतू क्राइम वाले ऐप ही हटा दो आप, क्राइम के, ठीक है, और मीन्स लोभ के, लोभ लालच, जल्दी से मुझे पैसा कमाना है, ये हटा दो। इन्हें हटा दोगे तो बाकी आपका माइंड है ना प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज हो जाएगा अच्छे से, और आपके सारे ऐप प्रॉपर फंक्शन करेंगे, ठीक है। आपको पता ना आपके मोबाइल ऐप में सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन सा ऐप लेता है, आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन सा लेता है आपका? गेमिंग वाला ऐप, आपको पता ना जितने भी गेमिंग ऐप है सबसे ज्यादा स्टोरेज लेते हैं, आपको पता होगा, समझे समझे। तो ऐसे आपके माइंड में भी जो सोशल मीडिया वाला जो ऐप है वो बहुत ज्यादा स्पेस लेके बैठा हुआ है। सोशल मीडिया वाला जो ऐप है ना बहुत ज्यादा स्पेस लेके बैठा हुआ है, पूरा दिन वीडियो को स्क्रोल करते 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 वो डाउनलोड होती रहती है आपके माइंड में, आपको पता नहीं चल रहा है वो डाउनलोड है। जो भी आप डेटा देखोगे, जो डेटा आप देखोगे वो आपके माइंड में कहने की प्रोसेस हो रहा है, वो आपके माइंड में प्रोसेस हो रहा है कहने कहीं, और वो माइंड की आपकी मेमोरी कहने के ले रहा है, मतलब आपकी मेमोरी ले रहा है, फिर आपकी एनर्जी ले रहा है कहने के ना। तो जितना भी सोशल मीडिया ज्यादा यूज करोगे आप उतना आपको टायर्डनेस आएगी, आप थकावट महसूस करोगे, हैप्पी फील नहीं करोगे आप। आप 1 घंटा मोबाइल चलाओ आपको अच्छी एनर्जी नहीं आएगी, आपको नींद आएगी, आपको लेजीनेस आएगी। आप चला के देख लो, आप 1 घंटा मोबाइल चला के देख लो आप, ठीक है। तो मीन्स वो आपकी एनर्जी को कहने की कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो पहले लोग थे उनकी मेमोरी ज्यादा शार्प थी, वो एक एक सेंटेंस सुनते थे किसी नोवेल में, बुक में, और उसको लंबे टाइम लाइफ टाइम याद रखते थे, ठीक है। आप दिन में 1000 मोटिवेशन वीडियो देखते हो, देखते होंगे मेरे हिसाब से, क्या एक भी वीडियो आपको याद है? आप मुझे बताओ यदि आपने सुबह से कोई मोटिवेशन वीडियो देखी है, क्या किसी भी वीडियो का जो डायलॉग था या कोई स्टेटमेंट था वो मुझे बता सकते हो आप? जल्दी बताओ, याद है? लेकिन वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे, आज सुबह से डांस की वीडियो देखी होंगी, समोसे बनाने की वीडियो देखी होगी, आजकल बहुत वीडियो आती है ऐसे, पूरा हस्बैंड वाइफ की वीडियो देखी होंगी, कॉमेडी वीडियो देखी होंगी, सब कुछ हम देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कई बार ऐसे, मैं नहीं बोलूंगा मैं नहीं देखता हूँ, पर हो सकता है कि मेरी एज हो भी देखने की, ठीक है, मैं एक लाइफ में एक स्टेप पे पहुंच गया हूँ, हो सकता है मैं एक स्टेप आगे हूँ आपसे, कहीं ना कहीं गलत मेरे लिए भी है, गलत सबके लिए है जो चीज़ है,
लेकिन मैंने पर्सनली फील किया है कि उससे आपका जो क्रिएटिव माइंड होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। जितना चीजों को आप प्रोसेस करोगे, ऐसी चीजें देखोगे, आपका जो क्रिएटिव माइंड होता है वो फिनिश हो जाएगा। आप अच्छे से कोई टाइम टेबल नहीं बना पाओगे, अच्छे से कोई डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे। बना पाओगे तो आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाओगे, अगले 2 दिन बाद उसको भूल जाओगे आपने टाइम टेबल बनाया था, आपने कोई डिसिप्लिन बनाया था, आप भूल जाओगे, क्योंकि सुबह उठते ही कहीं ना कहीं मोबाइल हाथ में आ जाता है, ये होता है। तो जो सोशल मीडिया वाला ऐप है, सबसे पहले आपको उसको हटाने की जरूरत है। आपको कुछ चीजें अपडेट रखनी है, जैसे दिन में 5 से 10 मिनट के लिए व्हाट्सअप चेक कर लिया अपने व्हाट्सअप पे क्या क्या हो रहा है, कोई शेड्यूल आपका क्लास का शेड्यूल है, कोई डिस्कशन का शेड्यूल है, आप उस टाइम पे व्हाट्सअप चलाओ। मैं मना नहीं कर रहा चलाओ मत, ठीक है, बट फेसबुक चलाने की जरूरत क्या है बता, आप मुझे बताओ। जब आपको सब कुछ व्हाट्सअप पे मिल जा रहा है, बाय द वे यूट्यूब पे भी ऑप्शन आता है आजकल, एक ऐप है शायद मैं उसको बता दूंगा आपको, कि जिस तरह के वीडियो आप देखोगे, ठीक है, फिर आपको उसी तरह के वीडियो आपको आगे आएंगे देखने के लिए। मीन्स बाकी जो वीडियो है आपको एड कभी भी एडवाइजेबल नहीं होंगे। यूट्यूब आपको बाकी वीडियो भेजते ना, कई बार एक ऐप आता है ऐसा जिसमें आप जो कैटेगरी चुनोगे उसी कैटेगरी की वीडियो आपको दिखे। ये जो है ना, ये जो आपको नेक्स्ट 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 करता जाता है वीडियो, ये बहुत इश्यू है, ठीक है। तो माइंड को हेल्दी रखने के लिए आपको माइंड को जो डेटा आप दे रहे हो, माइंड का जो खाना आपको दे रहे हो, उसको आपको फिल्टर करके देना होगा कहना है कहीं, ठीक है भाई। एक फिल्टर तो आपको माइंड के अंदर लगाया हुआ है, एक फिल्टर आप बाहर से लगा दो ना पहले से ही, आपके हाथ में जो फिल्टर है, कि आप कंट्रोल करो चीजों पे, कंट्रोल करो चीजों पे। आप हो हार्डवेयर, आप कंट्रोल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर आपके अंदर डला हुआ है, आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हो। यू हैव द पावर, यू हैव द पावर, ठीक है। तो आप कोशिश करो, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, ठीक है, बट होगा, होगा ये ध्यान रखना, आप होगा, आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आई थिंक मैंने छोटा सा टॉपिक आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, वो भी माइंड का एक छोटा सा बात बताने की यहाँ पे कोशिश की है, सिर्फ कि माइंड को जो आप इनपुट दोगे, आपका माइंड उसी तरह काम करने लगेगा। आप वायलेंट वाली मूवी देखोगे, आप एनिमल मूवी देखोगे, आप KGF 2 देखोगे, आप कल की मूवी आई देखोगे, तो आपके विचार भी ऐसे ही आएंगे, आपको सपने भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। आप मीन्स मोहब्बतें मूवी देखोगे, घर संसार मूवी देखोगे, या और कोई मीन्स थोड़ी सी जो फैमिली मूवी देखोगे, तो आपको विचार भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहली बात बोली है, ठीक है। एक महीने आप क्राइम पेट्रोल देखोगे तो आपको हर चीज पे डाउट होगा, हर जो इंसान आपको देख रहा है आपको हर डाउट, हर इंसान पे डाउट होगा, ये 100% ट्रू है, ध्यान रखना, ये 100% ट्रू है। तो डेटा जो आप कंज्यूम कर रहे हो, आपका माइंड उसी तरह काम करेगा, सिंपल सी बात है। आप आलू खाओगे, ऐसा बोला था, आप आलू ज्यादा खाओगे तो आप आलू की तरह मोटे हो जाओगे, बर्गर खाओगे आप बर्गर की तरह दिखोगे, सिंपल सी बात है ना, ये बात नहीं। तो मीन्स हाई प्रोटीन खाओगे तो मीन्स आपकी बॉडी उस हिसाब से स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक। तो जैसे हम बॉडी के लिए खाने पे, हालांकि हम खाने पे प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, बट फिर भी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप खाने पे कहने के प्रायोरिटी देते हो, आप खाने को सोच समझ के खाते हो, और मीन्स कहने के अच्छा हेल्दी खाना खाने की कोशिश करते हो, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो सेम चीज़ें आप माइंड पे भी फोकस करो, और माइंड को भी एक हेल्दी हेल्दी डिस्कशन दो, हेल्दी लोगों के साथ बात रहे हो, इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले आप इन्वायरमेंट चेंज करो। अच्छी सोसाइटी है ये बुरी सोसाइटी है, कैसे पता चला आप बताओ? ऐसे आप सुनते हो ना, ये अच्छी सोसाइटी है, और ये बड़ी अच्छी फैमिली है, ये बड़ी अच्छी ये फैमिली ऐसी है, कहाँ से आपने आइडेंटिफाई किया? अरे उनके विचारों से तो आपने आइडेंटिफाई किया, वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो आपको लगेगा ये फैमिली बहुत अच्छी है। एक फैमिली है जो आते ही मार काट की बात कर रही है, वहाँ 3 आदमी मार दिए, वहाँ 4 आदमी मार दिए, वहाँ ऐसा हो गया, तो आपको क्या लगेगा ये फैमिली तो ऐसी, ठीक है। या वो चोरी चकारी की बात कर रहे हैं आपसे, तो क्या आप उनके साथ मैच कर पाओगे फ्रीक्वेंसी? आप बताओ मुझे, ऐसा होता नहीं होता है। तो जो आपके विचार हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो एक दिन में नहीं बदलेंगे। सबसे पहले बदलना होता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट बाहर का इन्वायरमेंट तो आप बदल नहीं सकते, अचानक ही आप घर छोड़ के भाग जाओगे और घर छोड़ के जाके किसी मेट्रो सिटी में रह लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने अंदर के विचार बदलो, जो आपके हाथ में है। आप कभी भी दूसरों को ब्लेम मत करो कि ये इंसान मेरे घर पे क्यों आया, मुझे तो पढ़ना था, ऐसा नहीं है। वो तो आएगा, वो आएगा ही आएगा, उसको नहीं रोक पाओगे आप, ठीक है। आप अपने आप पे कंट्रोल करो, आप अपने आप को सेपरेट लेके जाओ बाहर, सेपरेट ले जाके पढ़ाई करो, या फिर आप उसको टैकल करो कि वो किस जिससे वो जल्दी चला जाए और आप आराम से बैठ के पढ़ पाओ।
सिंपल सी बात है ना, मीन्स आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। सिंपल सा लॉजिक मेरे यहाँ पे, जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना खुद में ही आप डिस्टर्ब रहोगे। जैसे कई बार बच्चे क्या होते हैं, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेते हैं, कई बार बच्चे क्या होते हैं अपने पेरेंट्स को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कि पापा आपको नहीं पता, मम्मी आपको नहीं पता, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स समझ लेते हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें क्या होता है फिर वापस से चीजें, एक गुस्से वाली चीज आ जाती है, ठीक है, कि मुझे तो बीटेक करना था, मैं तो बीटेक ही करूंगा, पेरेंट्स वाले नहीं मान रहे हैं। तो कन्विंसिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। मीन्स आप यदि कोई बात समझाना चाह रहे हो अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी फैमिली मेंबर को, तो आपको समझाने का तरीका भी आना चाहिए। ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है जो आगे आके रियल लाइफ में आपको काम आने है। आगे अपने बच्चों को समझाओगे, फिर टीचर बनोगे, अपने स्टूडेंट्स को समझाओगे, तो कम्युनिकेशन स्किल तो आपका अच्छा होना चाहिए। पर आपका डेटा, जो आपके पास डेटा है जिसका आप एग्जाम्पल दोगे, वो डेटा भी आपका फिल्टर और सटीक होना चाहिए, तभी आप चीजें समझा पाओगे ना। तो यदि अपने पेरेंट्स को आपको समझाना है, अपने भाई को आपको समझाना है, कई बार समझाना है, फोर्स नहीं करना है, समझाने में और आर्गुमेंट करने में, मीन्स बताने में और आर्गुमेंट करने में डिफरेंस होता है। आपको कोई बात अच्छी लगी, कोई बात आपको सही लगी फैमिली के लिए, आपने बात रखी, आप उनके हाथ में छोड़ दो कि उनको फॉलो करना है नहीं फॉलो करना, अदरवाइज फिर आपके अंदर फिर वापस से गुस्सा आ जाएगा, मैंने समझाया ये बात मुझे पता है सही है, फिर भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे जब आपने कुछ बोला और उन्होंने फॉलो नहीं किया और वो उसका कुछ मीन्स निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, देन यू कैन से कि मैंने पहले ही समझाया था, वो भी प्यार से, नॉट कमेंट। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, एक लर्निंग प्रोसेस होता है, आपका खुद का माइंड डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। तो आप कोई परफेक्ट तो हो नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि यदि आप आज ने गुस्सा करके आपने बोल दिया मैंने पहले समझाया था तो ऐसा हो गया, और कल को आपने कोई लॉजिक दिया, कल को आपने कोई एडवाइस दी और वो गलत हो गई, तो आप पक्का पिटोगे घर वालों से, ध्यान रखना, पक्का पिटने वाले आप घर वालों से, क्योंकि पिछली बार आपने बहुत गुस्सा करके बोला था। तो इसलिए जो भी बात बोलो, मीन्स आपने जो भी डेटा, भाई आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, नॉवेल्स पढ़ रहे हो, कहने के आपने आपको अपडेट कर रहे हो ना बाकी फैमिली मेंबर के तुलना में देखा जाए, तो यदि आपको कोई अच्छे विचार आते हैं, अच्छा आइडिया आता है, तो यू कैन शेयर विद फैमिली मेंबर, ठीक है। और स्पेशली जब हमारे पर्सनल डेवलपमेंट की बात आती है, हमारे माइंड डेवलप की बात आती है, हेल्थ के डेवलप की बात आती है, तो वहाँ पे आपको 100% शेयर करना चाहिए, ठीक है, शेयर भी करना चाहिए और इनिशिएटिव भी लेना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव कैसे, यदि आपको पता चला कि मेडिटेशन करने से फायदा होता है, तो आप 7 बजे सुबह उठ के, 6 बजे उठ के, 5 बजे उठ के अपने साथ साथ मम्मी पापा को भी बैठाने की कोशिश करो, उनको भी थोड़ा प्रयास करो कि वो भी बैठे, ठीक है, भाई बहन छोटे उनको भी प्रयास करो बैठे, 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, कोई बात नहीं, आज नहीं बैठ रहे कल बैठ जाएंगे, परसों बैठ जाएंगे, फ्रीडम रखो थोड़ा सा, स्टिक नहीं होना, स्टिक हो जाओगे तो समस्या हो जाएगी, डर कर फिर वही कंट्रोल करने वाली बात आ जाएगी। मीन्स कंट्रोल नहीं करना किसी को भी, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ अपना इनपुट डाल, जो आपके पास नॉलेज है आप उसको शेयर करो, उसमें जो आपको अच्छा लगता है उनको बताने की कोशिश, कन्विंस करने की कोशिश करो, बट किसी को कंट्रोल मत करो, कंट्रोल करने का काम आपका नहीं, ध्यान रखना, ये बात आपको समझ आई। उसके अलावा यदि आपको कुछ ऐसा और भी फील होता है, मतलब जैसे मेडिटेशन हो गया या मंदिर जाके आपको अच्छा लगता है, तो आप भी जाओ, अपने छोटे भाई को लेके जाओ साथ में, या छोटी बहन को लेके जाओ, ठीक है, मम्मी पापा के साथ जाओ, चलो मम्मी मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ, थोड़ा दूर मंदिर है तो चले जाओ साथ में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी बनती है, प्यार बनता है, ठीक है। और उससे जब आप कोई बात रखोगे तो वहां पे भी आपकी सहमति होती है, आपकी बात में एग्रीमेंट आएगा वहां पे, मीन्स को भी आप कोई डिसीजन लोगे। तो ये लाइफ को जीने के तरीके हैं और सब कुछ माइंड से ही जाता है बस, ठीक है। तो बात माइंड की थी, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें आपको और भी बता दी यहाँ पे, और हम माइंड पे आगे और भी चीजें डिस्कस करेंगे, और मीन्स बहुत टॉपिक है बात करने के लिए, यदि आप इंटरेस्ट दिखाओगे तब। और जैसे मैंने आपको बोला है कि मुझे एक मिनिमम सर्टेन स्टूडेंट चाहिए होते हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ अच्छे से, और जो मेरी बात में एग्रीमेंट भी दे, क्योंकि दिस नॉट ए वन वे टॉकिंग, वन वे टॉकिंग होता तो मैं यूट्यूब पे जाके बोल सकता हूँ, जैसे टू वे टॉकिंग, यदि मैं कुछ अच्छा यहाँ पे बोल रहा हूँ और आपको कुछ चीजें, आप उन डॉट को कनेक्ट कर पा रहे हो, हाँ सर ऐसा होता है, तो आपका चैट के माध्यम से रिप्लाई आना चाहिए, हाँ सर ऐसा होता है, या मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये इंप्रूवमेंट तब आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक फील भी नहीं कर पाओगे, इसलिए हमेशा चीजों को लिखना स्टार्ट करो।
मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेन आपकी सुप्रीम पावर है, पेन आपका हथियार है। यदि तो आपको कभी भी कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको लिखो, जितना लिखोगे उतना ही आपके अंदर जाएगा। पहले से ही बोला गया है, जो लिखने का प्रोसेस है ना, ये लिखने का प्रोसेस ये इसलिए चलाया गया है, जब आप लिखते हो तो ज्यादा फोकस रखते हो आप, जब आप पढ़ते हो तो फोकस कम होता है, लिखते हो तो आपको समझ में आता है ए बी सी, मतलब फोकस आपका ज्यादा बनता है, तो इसलिए ज्यादा लंबे टाइम मेमोराइज रहता है चीजें। तो लिखने का जो प्रोसेस आपको समझाया गया है पहले से ही, वो इसलिए बताया गया, ठीक है, इसलिए ही समझाया गया है, इससे आपके लंबे टाइम चीजें याद रहे, पेन, ठीक है। हाँ, अब इसमें किसी को कोई डाउट आता है तो पूछो, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपकी ऑफ कर देता हूँ, यू कैन आस्क योर डाउट यदि आपको कुछ लगता है भाई, ठीक है। संडे, अगले संडे भी आपको मेरे हिसाब से मेरा सेशन रहेगा, अब आपके हिसाब से होगा नहीं होगा वो आप डिसाइड करोगे, पर अगले संडे हम मिलने वाले।